हेलो हेलो हेलो, ये कुछ रेड से उससे वो दिखा रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है चलो, हाँ आएगा तो देखा जाएगा। कुछ रेड रेड नहीं दिखा रहा ऊपर, देखो। अच्छा तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिगनर बॉक्स 3 में बताओ। हाँ कौन से, कुछ किस उसमें थर्ड? हाँ बिगनर बॉक्स 3 में बताओ, थर्ड वाला। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सब है। हाँ चलो ठीक है, थर्ड पे आओ। वन पॉइंट नाइन के जी का ये है। टू पॉइंट नाइन ये है। और पी पी इज़ अ मिड पॉइंट, पी भी 0.2 kg का है। नहीं पी इज़ अ मिड पॉइंट, पी इज़ अ मिड पॉइंट, पी फोर्स नहीं है। तो तुम्हें टेंशन ऑन पी और टेंशन ऑन क्यू बताना है, क्या दिक्कत है बताओ। देखो ये पॉइंट पी है, पी मिड पॉइंट है, और पी पे टेंशन, पी देखो पी पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, ये टेंशन इन पी है। देखो इधर पी पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। अगर इस पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 2.9, 0.1, पी पी ऊपर की तरफ, 0.2 है लेकिन मिड पॉइंट है ना, ठीक है मिड पॉइंट है ना, तो आधा 0.1 इधर होगा, 0.1 ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? उसका हम 0.1 ले लिए हैं, बस खत्म। हाँ उसका अभी बाद में देखेंगे, हाँ वो अभी टीक्यू में देखेंगे। और नीचे कितना लगेगा? ऊपर तो टीपी लग गया, नीचे कितना लगेगा? नहीं टीक्यू तो ऊपर है, टेंशन इधर की, इधर का है। नीचे कितना लगेगा? इधर एम जी लगेगा। तो एम कितना है इसका? 2.9 प्लस 0.1 3, और जी तो टी पी कितना आ गया? टी पी माइनस 3 जी इज इक्वल टू, क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है? नहीं, रेस्ट में है ना, बॉडी लटकी हुई है रेस्ट में है। तो यानी नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, यही होगा। टी पी माइनस 3 जी इज इक्वल टू एम ए करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, ठीक। तो टी पी इज इक्वल टू 3 जी आ जाएगा, बस खत्म। अब तुम लोग टी क्यू बताओ, टी क्यू तो और आसान है, जल्दी से टी क्यू बताओ मुझे, टी क्यू बहुत आसान है। अच्छा 1 मिनट रुको, ये एक्सीलरेशन क्या, ए नॉट क्या दिया हुआ है? ओ अच्छा 0.2 भी दिया हुआ है, तो लग रहा है कि तुम लोगों को एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट बताना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ गए हैं ना। ठीक चलो बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में आई थिंक सब लोग चढ़ गया है, चढ़ चुका होगा आज आज के डेट में। हाँ ठीक है, लिफ्ट में सब 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 ने चढ़ के, हाँ चढ़ करके प्रैक्टिस वैक्टिस करके देख लिया होगा लिफ्ट कैसे वर्क करता है, कैसा फीलिंग आता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग के समय में लिफ्ट का क्वेश्चन आता था, तो उस समय तो हम लोग लिफ्ट देखे ही नहीं थे, लिफ्ट होता ही नहीं था कहीं, समझ रहे हो। आज के डेट में जितना कॉमन लिफ्ट हो गया है, उस समय इतना कॉमन नहीं था। जब पहली बार सिटी मॉल बना था तो लिफ्ट लगा था, तो लोग आते थे दूर दूर से लिफ्ट में सिर्फ चढ़ने के लिए, ठीक है। सिटी मॉल में पहली बार आया था लिफ्ट, उसके उसके पहले आई थिंक कहीं नहीं था। सिटी मॉल भी कब बनाया? 2010 में बना, 2008 9, हाँ 2008 9 10 के अराउंड सिटी, ठीक। उसके पहले आई थिंक कहीं कहीं लिफ्ट नहीं था, आज तो हर जगह है। लिफ्ट लिफ्ट ऑपरेट करना भी नहीं आता था, उसमें भी लिफ्ट का एक मैन रहता था, आदमी रहता था, वो लिफ्ट ऑपरेट करता था, सबको ऊपर ले जाता था और सबको नीचे ले आता था।
अब तो लोग लिफ्ट सीख गए हैं तो उसका भी छुट्टी हो गया, वरना कितने लिफ्ट में एक आदमी को नौकरी मिल रही थी। हर लिफ्ट में नहीं रहता है, हर जगह नहीं रहता है, कहीं कहीं एडी मॉल में रहता है। अच्छा, ओरियन सिटी मॉल, एम्स में नहीं है, एम्स में कुछ नहीं है, नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, हाँ लिफ्ट में तुम्हें वेट ज़्यादा महसूस कब होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है या लिफ्ट नीचे आती है? हाँ तुम बताओ कि तुम्हें वेट ज़्यादा महसूस कब होता है, मतलब थोड़ा भारी लग रहा है। हाँ रुको रुको, हाँ अजीब 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 फीलिंग को नहीं, अजीब फीलिंग डिफरेंट चीज़ है। हाँ नीचे आता है तो अजीब फीलिंग आती है, ठीक है, क्योंकि वेटलेसनेस में तुम आ जाती हो। जैसे एक एक झूला होता है, इस ये वाला जो झूला होता है खिचड़ी के मेले में जो लगता है, उस पे आई थिंक जब ये नीचे आता है तब बहुत डर डर टाइप का लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है, ठीक, लेकिन जब ऊपर जाता है तो भारी सा लगता है। हाँ ठीक है, तो वैसे ही लिफ्ट में भी जब तुम नीचे से ऊपर जाती हो तो भारी सा लगता है, लेकिन जब ऊपर, क्योंकि लिफ्ट का वेलोसिटी बहुत कम रहता है, मतलब झूले में ज़्यादा तुम्हें महसूस होगा, लिफ्ट के वेलोसिटी में इतना नहीं है, लिफ्ट का वेलोसिटी कम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लिफ्ट है, यहाँ पे जो बिल्डिंग है ज़्यादा से ज़्यादा 6 माले 7 माले की है, ठीक है, तो 6 7 माला मतलब हो गया कि तुम 2 3 सेकंड में पहुँच गई ऊपर, 2 3 से मुश्किल से 10, हाँ 1 मिनट में ऊपर पहुंच गई। लेकिन समझ लो जो माला है, समझ लो 100 100 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे अगर इसी स्पीड से लिफ्ट चलने लगेगा जो यहाँ पे 7 7 माले की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक, तो इसको कवर करने में 10 10 15 15 मिनट लग जाएंगे। तो बुर्ज खलीफा की जो लिफ्ट होगा, जो बुर्ज खलीफा का लिफ्ट है, या जिसमें 100 माला 50 माले की बिल्डिंग है, मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर ही है ना, हाँ 100 से ऊपर है मुझे, हाँ ठीक। तो वहाँ पर जब, सुनो इधर, अरे ध्यान से सुनो, वहाँ पर जब तुम लिफ्ट में चढ़ोगे, वहाँ पर जब तुम लिफ्ट में चढ़ोगे तो तुम्हें तेज़ी से ऊपर ले जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ फीलिंग होगी। यहाँ पे क्या है कि तुम लोग इतना अभ्यस्त हो चुके हो, इतना प्रैक्टिस में आ गया कि तुम्हारी फीलिंग रिड्यूस हो गई है, तुम्हें पता नहीं लग पा रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तब वेटलेसनेस महसूस होता है या वेट ज़्यादा महसूस होता है, बता रहे हैं, तो सुनो बता रहे हैं, ठीक। इस वाले झूले में तुम लोग चढ़े होगे, इसमें जब झूला नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वेट ज़्यादा महसूस होता है, और जब नीचे ऊपर से नीचे आता है तो वेट कम महसूस, वेटलेसनेस महसूस होता है, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग अब थ्रू द एग्जाम्पल देखते हैं सारी चीज़ को। वेट ऑफ द मैन इन द लिफ्ट, समझ लो लिफ्ट में एक आदमी है, ठीक है, ये वहाँ पे मिलेगा तुम्हें, हाँ टॉपिक नंबर 1, हाँ टॉपिक नंबर 10 में, बिगनर वॉक्स 2 के बाद। समझ लो लिफ्ट में एक आदमी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, आदमी के, हाँ आदमी के ऊपर एक, हाँ आदमी के ऊपर नॉर्मल एन लगेगा और नीचे क्या लगेगा, MG लगेगा, ठीक है, और कुछ तो लगेगा नहीं। समझ लो लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो एक नॉर्मल लगेगा और एक MG लगेगा, समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में कुछ एक्सीलरेशन आएगा, समझ लो क्या हुआ कि एक्सीलरेशन आ गया लिफ्ट में ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ आ गया, ठीक, तो क्या होगा, इस आदमी पे देखो, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे क्या लगेगा, नीचे MG लगेगा, अब ये आदमी का एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और तो ऊपर इसको कौन ले जा रहा है, ऊपर इसको कौन ले जा रहा है, लिफ्ट ले जा रही है, ठीक, तो क्या हम इक्वेशन ये लिखेंगे n-mg इज इक्वल टू ma, क्या इक्वेशन ये लिखेंगे, नॉ आदमी का एक्सीलरेशन, लिफ्ट का एक्सीलरेशन समझ लो a है, तो वही एक्सीलरेशन आदमी का भी होगा ना,
सेम एक्सेलरेशन आदमी का भी होगा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन, क्योंकि आदमी लिफ्ट में है, ध्यान से सुनो, जो आदमी लिफ्ट में है तो जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वही आदमी का एक्सेलरेशन होगा, पहली बात, ठीक। और आदमी पे दो फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लगेगा और एक एमजी लगेगा, एमजी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग हमेशा लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, समझ में आ गया, नॉर्मल ऊपर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो एन माइनस एमजी इज इक्वल टू एम ए, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एमजी प्लस एम ए, एन की वैल्यू आ जाएगी एमजी प्लस एन ए। तो एन की वैल्यू होती है एग्जैक्टली सेम उसका वेट बताता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू जो होगी वही वेट होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका वेट बढ़ गया, एमजी से ज़्यादा हो गया। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो अब इसमें देखो, रेस्ट वाले केस में देखो, रेस्ट वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, या रेस्ट, ये केस रेस्ट का भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, समझ में आ गया। या तो केस रेस्ट का हो सकता है, लिफ्ट रुकी हुई है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, दोनों केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब इस पे अगर हम बात करें तो इस पे हम फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, तुम बताओ सृष्टि क्या लिखेंगे, एन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, बट एक्सेलरेशन इज जीरो, आइदर रेस्ट, आइदर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मूविंग अपवर्ड और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मूविंग डाउनवर्ड, तीनों केस में एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एम जी। समझ में आ गया? हाँ, नीचे 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 भी अभी सॉल्व करेंगे, हाँ बताओ तुम, हाँ नीचे भी अभी करेंगे, पहले रेस्ट का देख लिया हमने और एक्सीलरेशन अपवर्ड, ये दोनों देख लिया है, हाँ एक्सीलरेशन अपवर्ड, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर जा रहा है, ठीक ठीक है। अब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, मान लो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, वही लिफ्ट बना देते हैं, वही आदमी है, लिफ्ट है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, इस पे एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, बट यहाँ पे जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ए ए मान लो उसकी वैल्यू ए। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनाएंगे, चलो तुम बताओ सृष्टि, 1.0 फोर्स इक्वेशन क्या बनाए यहाँ, एन एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक, बताओ कितने लोग कह रहे हैं ये होगा, तुम कह रहे हो और तुम लोग क्या कहोगी, तुम भी कह रहे हो, ठीक है ठीक है, हम समझ रहे हैं तुम कह रही हो, ठीक, तुम लोग कुछ नहीं कह रही हो, अच्छा तुम क्यों n प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए कह रही हो, ये बताओ, नहीं उससे उससे वो मत करो कि क्या ऊपर क्या नीचे, उससे मत करो, तुम फोर्स इक्वेशन बताओ, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, आदमी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, हाँ ठीक, और आदमी का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, हाँ तो एम जी लिख दें, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, नेट फोर्स कितना आ रहा है आदमी पे, नेट फोर्स आदमी पे कितना आ रहा है, नहीं फिर भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो यानी कि कोई एक फोर्स बड़ा होगा तभी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हाँ तो एम जी में क्या करें, एम जी में से क्या करें, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, समझ में क्या, ठीक। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू,
अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, नहीं लिफ्ट एक्सेलरेशन है ना, हमने तीन केस देखा है, एक रेस्ट रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी, इन तीनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, इन तीनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन मान लो किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है या किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो वो ये केस है, तीन अलग अलग केस है, ठीक है। इसको देख लो, छोटा कर दे रहे हैं, ये दोनों देख लो तुम लोग, देख लिए। हाँ हाँ देख लो, देख लो, ठीक। अब एक बार बिगनर बॉक्स टू का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बिगनर बॉक्स टू का क्वेश्चन नंबर वन ले लो, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिए हैं तुम लोग, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो बिगनर बॉक्स टू में। इसमें कोई, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, अपन वर्टिकली अपवर्ड अकॉर्डिंग टू, हाँ ठीक है। तो हाँ देखो, तुम लोग अपने अपने लेवल पे कैसे याद कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने लेवल पे तुम्हें कैसे याद करना है। ऊपर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो एम जी में से कुछ ऐड करोगे तभी तो बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, तो एम जी में कुछ ऐड करोगे तभी तो बढ़ेगा, और नीचे जाएगा तो वेट घट जाएगा, तो एम जी में से कुछ सब्सट्रैक्ट करोगी तो वेट घटेगा। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, अगर तुम्हें इतना सब नहीं समझ में आ रहा है तब, वरना ये बहुत आसान है, समझ में आ जाता है, इतना कोई टफ नहीं है। फोर्स इक्वेशन हमें समझ में आना चाहिए। चलो तो बिगनर बॉक्स टू का क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं। क्या है, इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ दिया है, बी टी ग्राफ है, बी टी ग्राफ से हमें क्या मिल जाता है, बीटी ग्राफ से हमें क्या मिल जाता है बताओ प्रीति, बीटी ग्राफ से क्या मिलता है, हाँ ठीक, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है तुम ही बोलियो, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन बताओ, 0 to 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है, 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारे पास ये है ना, हीट है ना, 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन बताओ कितना है। नहीं, 0 से 2 में एक्सेलरेशन 1 नहीं है। अरे तो आप बोलते रहो, 1 2 भी नहीं है, हाँ 20 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो इधर बताओ, टाइम ग्राफ में स्लोप, तो 0 to 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है, 10, ठीक। 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन, ये स्लोप निकालना है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, दिस अपॉन दिस, यही करते हैं ना, दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 2, तो 20/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन आ गया 10, तो चलो तुम लोग बताओ, वेट ऑफ द मैन एट 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना होगा वेट ऑफ द मैन, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेट ऑफ द मैन कितना होगा, जल्दी से बताओ, वेट ज़्यादा होगा या कम होगा, पहले इतना बता दो, पहले इतना बताओ, वेट ज़्यादा होगा या कम होगा, अपने ओन वेट से ज़्यादा होगा या कम होगा, इतना पहले बताओ। जैसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, 0 से 2 सेकंड में ऊपर जा रही है, ये बता रहा है कि लिफ्ट, समझ लो यहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से 2 सेकंड ऊपर गई,
विथ एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 10, दो से 10 सेकेंड तक, इसको मिटाएं जरा, 2 से 10 सेकेंड तक लिफ्ट लिफ्ट कैसे चल रही है, 2 से 10 सेकेंड तक लिफ्ट कैसे चल रही है बताओ सृष्टि, 2 से 10 सेकेंड तक लिफ्ट कैसे चल रही है? हाँ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो 2 से 10 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी एक्सेलरेशन बराबर 0 है, ठीक। और 10 से 14 सेकेंड तक लिफ्ट कैसे चल रही है? एक्सीलरेशन है लेकिन निगेटिव साइड है, यानी लिफ्ट रुकने वाली है, लिफ्ट रुकने वाली है, ठीक है, ठीक। तो अच्छा बताओ, 0 से 1 सेकेंड पे समझ लो आप मैन का मास एम था, तो पहले सेकेंड पे उसका मास ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बस इतना बता दो। 1 सेकेंड बाद यहाँ पे आदमी का मास ज़्यादा उसको फील होगा या कम फील होगा? हाँ ज़्यादा फील होगा, क्योंकि वो अपवर्ड है। अब कितना ज़्यादा फील होगा? बस एम एम मास ऑफ द मैन इज एम एम के जी दिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? एम जी, देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाता है, ठीक। तो एम जी प्लस एम इंटू ए, ए कितना है? 10, ठीक। तो और जी की वैल्यू भी 10 है, तो 2 mg हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? एम जी, जी की वैल्यू भी 10 है और ए की वैल्यू भी 10 है। यहां से यहां तक वेट कितना होगा? 8वें सेकंड पे वेट पूछा है, तो 8वें सेकंड पे वेट कितना होगा? हाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेट कितना हो जाता है? सेम रहता है, ठीक। कहाँ गया अपना वो, ये है ना, देखो जब एक्सीलरेशन 0 है तो वेट कितना हो जाता है? नॉर्मल रिएक्शन ही वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग निकालते हैं वही वेट है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम जी के बराबर, यानी वेट के बराबर। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेट कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ही वेट है, एम जी प्लस एम ए बढ़ जाता है वेट। और जब नीचे आ रही है तो एम जी माइनस एम ए घट जाता है, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रीजन में क्या हो जाएगा? वेट सेम रहेगा। तो जो भी तुम्हारा वेट होगा, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। मास दिया नहीं है, ठीक है, मास ऑब्जेक्ट का मास दिया नहीं है, पर्सन का मास दिया नहीं है, तो बस डायरेक्टली तुम एम जी लिख देना, खत्म। इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में क्या होगा? 12 सेकेंड पे वो, हाँ एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, दोनों में अंतर है, ठीक है। लेकिन वेट क्या होगा, वेट बढ़ेगा या घटेगा? हाँ वेट घटेगा, हाँ लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो वेट कम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कैसे कैसे लिफ्ट एक्सीलरेशन नीचे हो सकता है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, हो सकता है लिफ्ट ब्रेक मार रही हो, ठीक है, ब्रेक मारेगी लिफ्ट तो ऊपर तो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन नीचे, तभी तो वो रुकेगी धीमे धीमे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, वेट जो भी होगा वो कम होगा, कितना कम होगा, ठीक। तो वेट जो भी हो जाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, वो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वेट कम होगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। लेकिन ए कितना है, 10 से 14 सेकेंड में ए कितना है बताओ, ए कितना है 10 से 14 सेकेंड में? हाँ 5 है, ठीक है। 20 एक्सेलरेशन कितना जाएगा, 20/4, तो एक्सेलरेशन होगा 20/4 इज इक्वल टू 5, लेकिन ये 5 - 5 है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है,
ठीक है, तो तुमने वहां पे ऑलरेडी माइनस में साइन रख दिया है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऑलरेडी लगा दिया है, अब फिर से माइनस नहीं लगाना है, ठीक। तो एम जी माइनस 5 m ये आ जाएगा। हाँ, अब बिगनर बॉक्स 3 में देखो, हम फिर से एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। हाँ, बिगनर बॉक्स 3 में टोटल ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन, टोटल ऑब्जेक्ट ही ऊपर जा रहा है विथ सम एक्सीलरेशन, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू 1.9 kg, ये पॉइंट पी है, इसका मास है 0.2 kg, ठीक, और ये है 2.9 kg। इतना तुम्हें समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ, सब सब लेकर के वो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, सब टांग करके ऊपर ले जा रहा है विथ एक्सीलरेशन ये, ठीक ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 2.9, ये क्या है 0.1, समझ में आ गया, ठीक। इसमें टीपी ऊपर की तरफ लगेगा, टीपी ऊपर लग रहा है, और नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी, एम कितना है प्रीति बताओ, एम कितना है इसका, अरे देख करके बताओ, उसमें देख उसमें मालूम नहीं मालूम क्या है, अरे सामने दिख रहा है बस तुम्हें पढ़ना है, एम कितना है तुम्हें, नहीं दिख रहा है 2.9 है, बताओ खुशी, हाँ 2.9 है, क्या क्या आपस में बात कर रही हो, और 4 दिन बाद आई हो और फिर भी बात कर रही हो, तो क्या पूछ रही हो, 3 2.9 + 1, 3g नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, यानी ये भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो कौन सी फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी, हाँ टीपी बड़ी होगी, टीपी माइनस 3g, क्या लिखें, 3 × a, हाँ सर, हाँ बिगनर बॉक्स ही करना था, ठीक है। अभी इनका सर एनएलएम चल रहा है, सब बिगनर, हाँ सर, तो पहले बिगनर बॉक्स से तो चले, तो एनएलएम अभी समझ लीजिए हाफ हुआ है, नहीं सर तो पहले एनएलएम का तो क्वेश्चन करें ना, मतलब बिगनर बॉक्स का तो क्वेश्चन, करना है लेकिन पहले बिगनर बॉक्स का तो डाउट कंप्लीट हो, मैं ये कह रहा हूँ। सर अभी तो मैंने सिर्फ बिगनर बॉक्स ही दिया, सर चेक किए हैं सर, ये तीनों एब्सेंट थी तो नहीं है, हाँ ठीक है सर, कल रहे सर हमें मॉड्यूल तो कल मिला है, कल मैं सर सर बात नहीं है।
मैं अगले नेक्स्ट क्लास में हम चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का वेडनेसडे को है ना? हाँ क्या अब आज? हाँ आज का तो तुम्हारा क्या देखें, तुम्हारा तो रिलेटिव का था ना? रिलेटिव का था, रिलेटिव तो हम पिछले पिछले बार ही दिए थे। चलो ठीक है, देखते हैं, देख इतना वो नहीं है, आईआईटी वालों का क्लास है। अब नीट का पहले होमवर्क मैं बता दे रहा हूँ कि क्या रहेगा नेक्स्ट उसमें। हाँ वही तो कह रहे हैं, एक्सरसाइज वन में तुम लोग कहाँ तक पहुँच जाओगी? अब हम क्या करें यार। हाँ, तुम लोग कर लेना। हाँ देखो, तुम लोग के उसमें थोड़ा सा मिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 97 तक है, ठीक है? फ्रिक्शन से पहले क्वेश्चन नंबर 97 है। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिक्स्ड होगा, ठीक? तो 97 में से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग 50 क्वेश्चन करोगे, ठीक है? जैसे 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 कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक बीच में छूटा हुआ है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा मैच ना करे। जो मैच करेगा वो तुम्हें कर लेना, जो मैच नहीं करेगा वो मत करना। तो 97 में से तुम्हें 50 क्वेश्चन तो कम से कम मैच करेगा, इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन है। हाँ एक्सरसाइज वन, हाँ तो कम से कम इतना कर लेना कि क्लास के बाहर मत जाना। तो तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट तो कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है? इतना तो कम से कम अटेम्प्ट कर लेना क्या। हाँ, हेलो हेलो हेलो, PQ कितना आएगा? हाँ क्या क्या, ये यहाँ पे कितना कितना होगा बताओ, TQ? हाँ पी क्यू, नहीं, 3.8 नहीं होगा। देखो ऐड करो, 3.8 नहीं हो रहा है। नहीं 2.1 कहाँ से है, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? इसके नीचे कितना मास है, इसके नीचे नीचे कितना मास है? 5 मार्क्स है। तो क्या लिखे, TQ माइनस 5, 5 मार्क्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। -5G इज इक्वल टू पूरा मार्क्स कितने से ऊपर जा रहा है, 5A, 5A से ऊपर जा रहा है ना। बस यहाँ से TQ की वैल्यू आ जाएगी, 50 प्लस 5 × 0.2, ये कितना आ जाएगा, 5×9=10, 51, 51 आ जाएगा। अब और कौन सा, 4, 5, 6, 7 में से देखो
सेवंथ वाला तो बहुत आसान है यार, कैलकुलेट टेंशन फॉर द, क्यों इसमें सेवंथ वाले में क्या दिक्कत है? हाँ ये तो हम लोग क्लास में किए हुए हैं मान लो। हाँ सेवंथ वाला तो बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। एट्थ वाला कहो तो बता दें, एट्थ वाला हो जाएगा, अगर एट्थ वाला हो जाएगा तो। एट्थ वाला थोड़ा सा टफ है लेकिन सेवंथ वाला तो बहुत आसान है। नाइन्थ वाले में, नाइन्थ वाले में देखो क्या है, 8 किलो 4 किलो दोनों को हमने ऐसे किया, 10 न्यूटन, फाइंड दैट एनोमीटर। नहीं, तुम्हें बताना है कि 1 किलो। अच्छा स्प्रिंग तो हमने किया ही नहीं है, स्प्रिंग किया नहीं है तो स्प्रिंग कहाँ हो गए? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ गया है ठीक, इसको तभी तुम्हारा बिगनर बॉक्स। हाँ 14 टॉपिक है, टॉपिक तक टॉपिक नंबर। तुम लोग पूछते थे ना कि भाई स्ट्रिंग का हम लोग मास मास देते थे ठीक, इसमें स्ट्रिंग का मास दे दिया है, क्या दे रखा है? जो रोप का मास दे दिया है, रोप का मास दे दिया है एम और लेंथ दे दिया है एल। इतना तुम्हें समझ में आया? मास एम दे दिया और लेंथ एल दे दिया। हाँ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे रखा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वन, और एफ फोर्सेस को खींचा जा रहा है, तो टेंशन इन द रोप, यहाँ पे टेंशन बताना है, यहाँ पे कहाँ पे, इससे एक्स दूरी दूर एक टेंशन होगा उसको बताना है ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे बताओ, हाँ
बट वॉज इट आगे की तरफ देखो ऐसा ही हमारा एक टेंशन का रॉड देखना 12 पॉइंट।